कहेगी मैं वैसा करूँगा, तेरी हर जिद को पूरा करूँगा, चलो बाबा माफ करो हंस भी दो। कंटेंट यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। बाल विवाह करके बहुत खुश हैं सहवाग एंड रिद्धि, बाल विवाह करके बड़े खुश हैं सहवाग एंड रिद्धि, इनकी उम्र में थोड़ी सी डांट सुन के पैंट में मूंद देते पिद्दी पिद्दा एंड पिद्दी। सो ये है रिद्धि। हेलो गाइस। हेलो मेरी छोटी संतरे की गोली। हेलो 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 फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। अरे कितना हेलो कितना हेलो मेरे छोटे कबूतर की भारी खुराक कितना हेलो। छोड़ो ये हेलो बच्चा झेलो, तुम वीडियो देखो वीडियो। दूसरा प्यार करने का मौका दिया भी नहीं है तुम दोनों ने एक दूसरे को। बाय द वे ये है सहवाग, ये है रिद्धि, ये 20 साल का है और ये 18 साल की है। नारायण कैसे दोनों देखने में 15-15 साल के छोटे छोटे बालक लगते हैं, और ऊपर से इनके पोज भाई साहब। इसे देखिए ये बंदर इस बिल्ली पर अपना प्यार लुटा रहा है। फिर क्या आता है, ऐसे प्यार भरे पोस्ट देख के लोगों ने भयंकर डिमांड करी कि लव स्टोरी सुनाओ, आखिर कैसे शुरू हुई ये मैनी पोको पॉइंट्स की छोटी मोटी लव स्टोरी। लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ, आप सर आप दोनों कैसे मिले। तो हम फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट पे मिले थे हम दोनों, मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे। मेरी प्यारी छोटी सड़ी हुई मूंगफली, जिस तरीके से तुम घूमने जा रहे थे तुम्हें स्कूल जाने की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिस नाजुक उम्र में तुमने मैरिज कर ली है उस उम्र में तुम्हें मैरिज की स्पेलिंग भी नहीं आती है। मेरे बालक तू कोई भी लड़की दिखा के अपने फ्रेंड्स को पूछेगा तो वो अच्छी ही बोलेंगे, ये क्या बाल विवाह मचा लिया फ्रेंड्स की बातों में आके, और तेरे फ्रेंड्स को देखा मैंने शादी में कैसे गुस्से में फूल फेंक के मार रहा हो तुझे। देख वो फपूंदी लगा हुआ खजूर तो मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा तेरी शादी में, और तूने बाल विवाह मचा लिया उसकी बातों में आके। इंटरेस्टेड तो मैं भी नहीं हूँ तेरी वीडियो में, पर बैठा हूँ ना यहाँ पे जूते के नाड़े जैसी शक्ल के। न्या, 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 न्या। नाइस। फिर बता दिया घर पे कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, तो पापा बोले कि नहीं तू जो भी हो वो नहीं, पापा ऐसे मानने को तैयार नहीं थे। उफ ये जमाना, बेचारे बालकों को उनकी मन की मर्जी से शादी भी नहीं करने देता। मेरी बेटी एक इंच की पेटी, अगर शादी करने की परमिशन दे दी जाए ना सारे निब्बा निब्बियों को तो हर कॉलोनी में दिन की 4 शादियां होंगी और रोज के 5 तलाक। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक कुछ नक्की नहीं होता था कितने बजे तक बात करनी है, और सुबह भी मेरे को 6-7 बजे कॉल आया था, मैं 6 बजे काफी बार तो 5 बजे भी कॉल आ जाता था उसका सुबह। अरे प्यारी शर्मा आ गई है, रात रात भर जगाती थी बेचारे को इन्हीं हरकतों के चक्कर में। वो बाजू में बैठा हुआ बालक हमेशा ऐसा लगता है कि 2 पैकेट पार्ले जी की रोटी के नशे करके बैठा हुआ है, आंख नहीं खुल रही उसकी पूरी। फिर इन्होंने मेरे को मैसेज में बोला कि मेरे को शादी करनी है, तो मैंने बोला कब करनी है, तो इन्होंने बोला कि कल ही करनी है, तो मैंने घर पे बताया मेरी दादी को, तो दादी बोली कि ठीक है जा कर ले। मम्मी मान लो मैं 17 साल का हूँ, मुझे शादी करनी है। तो क्या करेगा? तो कर लूँ मैं। तेरे से शादी करेगा कौन भैया? हंस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों से डील करना होता। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। इन चूरनों की तो एज हमें पता भी थी, 2 और छोटी चिपकलियों ने शादी कर ली है, उन नटखट नान खटाइयों की तो हमें एज भी नहीं पता। एक काम करो मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, एज तुम गेस करो कमेंट में। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते, ये देखो हम दोनों ने मिलके पूरे किए हैं। सुन मेरे शहजादे तू है। ए थांबा थांबा, तुम्हारा सपना ही इतू सा था, बड़ा तो हो जाने देते अपने सपने को, छोटे छोटे सपने तुम्हारे, नाबालिग सपने, और वो एक सपना तो मुझे नहाया हुआ भी नहीं लग रहा, गंदा घिनौना सपना, और इससे ज्यादा शौक तो मुझे ये देख कर लगा। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे मनीषा मेरा जान। किसके लिए तुम गाना गा रहा है, मनीषा को तो शादी हो गया। वाह मनीषा का तो शादी हो चुका कहीं और, मनीषा वहां पे डाइवोर्स लेके अपने पुराने प्रेम के पास वापस आ गई है, अपने गंदे बिना नहाए हुए प्रेम के पास। और ये सोचो तुम आज के जमाने में जहां गर्लफ्रेंड अगर एक्स से बात कर ले किसी की तो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, और यहां मनीषा अपना पूरा पति घर संसार छोड़ के अपने प्रेम के पास आ गई है, ये नाबालिग अटूट अद्भुत प्रेम। हाय गाइस,
मनीषा और हम एक हो चुके हैं और अभी हम दोनों का शादी भी हो चुकी है। आप लोग चाहते थे कि मुझे और सिमल जी को फिर से सपोर्ट कीजिए और हम दोनों फिर से धमाका मचाने आएंगे इंस्टाग्राम में। प्लीज लाइक फॉलो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार शादी करके आए हैं, इस बार अलग नहीं होंगे। हाँ, इस कभी नहीं होंगे और दोबारा। बाय बाय, रात में दिखेंगे और वीडियो में। गुड्डा गुड़िया का खेल हो गया है शादी ब्याह। कहीं कोई दो कर रहा है, कहीं कोई नाबालिग से कर रहा है। भाई साहब, बड़े क्या कर रहे हैं आखिर। वाह, बहुत बढ़िया। सांस रोक दे, दम घोट दे, मार दे बेचारी को अपने हाथ से उसकी नाक दबा के। वो भी क्या समय था दोस्तों, जब लोग मुंह से बात कर लिया करते थे। अब तो सीधे पलटते और झप्पियां पा लेते हैं। अबे प्रपोज तो करने दे उसको, पुराने चादर के चमकीले खटमल और वो दो बाजरे की सिट्टियां। इतने लोगों को प्रपोज कर चुकी है कि दोनों घुटने छिल चुके हैं उनके। तुमसे दिल लगा के दिन रात रो दिए। नहीं 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 दीदी, तुम नहीं रो रही हो ना, नक्को बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घुटने रो रहे हैं, वो भी फटे धागे के आंसू। वो ब्लैक कलर के जो मेरा फेवरेट कलर है, मेरे को बहुत पसंद आई। खुश है तो खुश है और बहुत ज्यादा। ऐसे होते हैं नॉर्मल बच्चे, साइकिल चाहिए होती है, साइकिल मिलती है, खुश हो जाते हैं। और एक तरफ ये है हमारे तेजस्वी बालक। झुमका और कंगना दिलाने की नहीं, उसकी उम्र है खिलौने दिलाने की। जिस उम्र में उसके माँ बाप ने उसको गलती से मोबाइल दिला दिया और वो बेचारी खुद की ही जिंदगी के साथ खेल गई। सो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, थाम्बा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब टिकटॉक बैन हो गया तो मैं यूट्यूब पे आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं यूट्यूब पे आया था 19 जनवरी 2020 को, पहली वीडियो है मेरी, और टिकटॉक बैन हुआ था 29 जून 2020 को। डिफरेंस है। हाँ जी, दूसरी बात लोग बोलते हैं कि टिकटॉक का होके टिकटॉक को रोस्ट करता है। यूट्यूबर्स भी तो यूट्यूबर्स को रोस्ट करते हैं। अब अगर मान लो कि कोई रोस्टर पायल जोन को रोस्ट कर रहा है तो क्या पायल जोन और रोस्टर एक ही कैटेगरी के हो गए? नहीं, ऐसे ही टिकटॉक पे भी अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। वो बात अलग है, क्रिंज ज़्यादा फैलता था तो वो ज़्यादा दिखता था, हम जैसे लोग कभी दिखे ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, यूट्यूबर्स भी यूट्यूबर्स को रोस्ट करते हैं। इसी प्रकार टिकटॉक पे जो घटिया वीडियोस थी मैं उनको रोस्ट करता था। और हाँ, थर्ड क्या था, मेरा बैकग्राउंड सेटअप। तो भाई साहब, सेटअप का ऐसा है, आप लोगों को अच्छा लगता है ना, चल रहा है ना, बढ़िया है। बस आप लोग मैटर करते हो, आपको अच्छा लगना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी बोले। फोर्थ, नल्ला सुनियो। मुझे कुछ बोला ना तो सूखे डंडे को गीले तेल में डुबा के ऐसा चिपकाऊंगा ना कि हुसैन की हवेली बन जाएगी और सकल की तबेली बन जाएगी। ठीक है, माफी हुजूर, माफी। एंड फिफ्थ एंड आखिरी, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, ये तो ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जहाँ रखा पैर वहाँ कर दिया राज, अच्छे अच्छे बंदों के भी खोल दिए घोड़े।